पंखा नहीं नहीं चलिए अब बातचीत करते हैं, हो गया टाइम भी। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, मुस्कुराते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण। प्रार्थना वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रब योर पाम, प्लेस इट ऑन योर आईज एंड गिव अ जेंटल मसाज टू योर फेशियल मसल्स। हाँ चलिए, आज सबसे पहले हम सभी लोगों को आपको लिए कि सबसे पहले जो 6 से 8 घंटे की नींद का रिलैक्सेशन कैसे 40 to 45 मिनट्स में कर सकते हैं, आज उस ध्यान के बारे में हम बात करेंगे कि जनरली क्या होता है, आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है या नींद जैसे बीच में खुल गई, आप कुछ जैसे आप वो यूरिन बाथरूम यूज करने गए और उसके बाद नींद खुल गई, तो जनरली क्या किया जाता है कि आप हमेशा कोई विचार चलता रहता है या फिर मोबाइल उठा के मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका नींद का एक प्रॉपर टाइम बनाए कि 10 से 6 या जो भी आपके घर पे जिस तरीके से अरेंजमेंट हो कि 10 तक हम बिस्तर पे चले जाएं, तो 10 से 5, 10 से 6 जो भी टाइम है आपका वो एक फिक्स टाइम रखिए अपने सोने का, कुछ आगे पीछे नहीं हो। वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है कोई कोई जिस तरीके से, बाकी जनरली एक फिक्स टाइम रखिए। और आप कोशिश कीजिए कि 6 से 7 बजे के बाद आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं हो, जो रूम में भी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं, थोड़ी सी डिम लाइट हो, लाइट लाइट होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली बॉडी में सेरोटोनिन ज्यादा सिक्रीट होगा, तो स्लीप हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा और आपको जल्दी से एकदम लाइट कम में आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी और आपको धीरे धीरे आप नींद की तरफ बढ़ेंगे। तो एकदम ब्राइट लाइट वाले रूम में नहीं रहे रात को, जैसे अगर नींद आने की जिनको प्रॉब्लम है, हमेशा एक लाइट डिम वाला पोर्शन रहे। और 9 बजे तक तो आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ही लाइट, एक छोटी लाइट जलाकर जो अपना अपने काम जरूरी काम है वो कर सकते हैं, इस तरीके से रखिए। और मोबाइल का अगर आप यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा रात को सोते टाइम, तो आधा घंटा पहले मोबाइल का इंटरनेट ऑफ करके आप उसे साइड में रखिए। अगर कोई बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ लोग दूध पीते हैं तो दूध पी सकते हैं, गुलकंद ले सकते हैं, हाथ पैर धोकर अच्छे से, और ये जो गर्दन का पीछे वाला हिस्सा है उस पर हल्का सा पानी लगाकर या नहा धोकर आप आराम से इस तरीके से बैठ सकते हैं, ये बिल्कुल आराम से। फिर उसके बाद अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि नींद का ऐसा लग रहा है डिस्टरबेंसेस है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं बिस्तर पर और आज हम जो आपको टेक्निक बताते हैं वो आप ऑटोमेटिकली उसको करें फॉलो, तो आपको ऑटोमेटिकली फिर आपको नींद, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नींद आए। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये फॉलो करें, और इसके लिए किसी मोबाइल और फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब ये टेक्निक सीख जाएंगे तो आपको आराम से उसको फॉलो करके आराम से अपनी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपना टाइम फिक्स रखें और खाना भी, कि कुछ लोग खाना खाते ही सो जाते हैं, तो उसके 2 से 3 घंटे का गैप रखें। अगर आपको गैप नहीं रखने का हो सकता है, पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा लाइट खाना खाइए और थोड़ी देर टहलिए, तो टहलने से थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा और फिर आप आराम से सो पाएंगे।
सोने से पहले वही हाथ पैर धोकर गर्दन के पीछे पर या फिर नहा धो के सोएं, और अपने 7 बजे 8 बजे 9 बजे के बाद लाइट्स को डिम रखें, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स में नहीं जाए तो ऑटोमेटिकली, और मोबाइल को सोने के आधा घंटे पहले ऑफ कर दे या इंटरनेट उसका ऑफ कर दे, तो आप देखेंगे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जैसे काजू जनरली दिए जाते हैं कि 4 से 5 काजू आप रात को सोते टाइम अच्छे से चबा चबा के खाइए, मतलब आधा पौन घंटे पहले, तो ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे कि पूरा अच्छे से आप उसको रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि काजू से जैसे वाइट जैसे दूध पिलाने से, दूध में घुटकर लेने से थोड़ा सा बॉडी में जो स्लीप हार्मोन है वो और अच्छे से एक्टिव होता है। तो ये कुछ इस तरीके के टिप्स है जो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, बाकी हम डिटेल्ड आपको आज सिखाएंगे तो आप आराम से लेट कर भी इसको प्रैक्टिस को कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी को थोड़ा सा और रिलैक्स करने के लिए, उससे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए कपालभाति क्रिया, ओनली एक्सहेल स्टार्ट, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, वेरी गुड, शाबाश। आपका पूरा ध्यान नाक से श्वास छोड़ने पर, माइंड मुस्कुराते हुए, वेरी गुड, शाबाश। Only thing, smile. पूरा श्वास छोड़ने दीजिए, आंखें बंद कीजिए। बिल्कुल अनुलोम विलोम प्राणायाम, हर नोस्टल से एक्सहेल फिर इनहेल, फिर दूसरी नोस्टल से भी एक्सहेल और इनहेल, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। हाँ बहुत इफेक्टिव है अनुलोम विलोम प्राणायाम, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, साथ ही साथ बॉडी में ऑटोमेटिकली आपके नर्व सेल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सो दैट यू कैन स्लीप डीपली। बहुत बढ़िया, मुस्कुराते हुए, वेरी गुड, शाबाश। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल प्लीज या तो साइलेंट मोड पर कर दें ताकि किसी पड़ोसी को भी डिस्टर्ब ना हो। हर नासिका से पहले श्वास छोड़े फिर भरे, फिर दूसरी ओर से भी एक्सेल और इनहेल, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल
श्वास लेने से अधिक समय श्वास छोड़ने में लगाएं। मुस्कुराते हुए, कमर गर्दन सीधी ही रखते हुए। Now complete your round from the left nose to exhale. Close your eyes. बाई नासिका से राउंड को कंप्लीट कीजिए। नाउ भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को ऊपर फोल्ड कीजिए, ऊपर तालू पे लगाइए। हथेली से कानों को बंद कीजिए और एल्बोज को फ्लोर पर। चैंट मकारा। कंप्लीट योर राउंड। क्लोज योर आईज। आंखें बंद की। धीरे से बंद आंखों से आए तरंगों स्पंदनों को मस्तिष्क में नॉर्मल होने दीजिए। अब धीरे धीरे इसी प्रकार आराम से आप लेट जाइए अपनी ही सीट पर। बी कंफर्टेबल। क्लोज योर आईज। आंखें बंद की। मुस्कुराते हुए केवल सीधा लेट जाएं। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले आराम से फॉलो कीजिए मुस्कुराते हुए। क्लोज योर आईज। हाथ जमीन पर जस्ट मिला। क्लोज आईज लाइक यू आर सरेंडर टू प्रोग्राम। मुस्कुराते हुए आंखें बंद करी। केवल विश्राम की अवस्था।
अपने आप को महसूस कीजिए ऑन द मैट, होल बॉडी टचिंग ऑन द मैट, पूरे शरीर को जो भी मैट पर टच हो रहा है उसे महसूस कीजिए मुस्कुराते हुए। और जहां भी आप लेटे हुए हैं, अगर रूम की लाइट्स कम हो सकती हो तो कम कर लीजिए, सो दैट यू कैन फील मोर अलाइव। आंखें बंद ही आ जाइए। नाउ क्लोज योर आईज मुस्कुराते हुए। पैड सीधे, अब सबसे पहले दोनों पैर मिलाएं और जिस जिस ऑर्गन का हम यहाँ से नाम ले उस ऑर्गन को जितना आप टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग विद योर टोज, पैरों के अंगूठों को पंजों को खींचकर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल खींचना है, बिल्कुल टाइट कर लेना है दोनों पैरों के पंजों को, और पंजों को स्ट्रेच कीजिए बाहर की तरफ, पंजे एड़ी टखना एंकल ज्वाइंट काफ मसल्स पिंडलियां घुटनों को पूरा ऊपर खींचिए टाइट करते हुए। ब्रेथ थाई मसल्स दोनों जंघाएं अपने बटक्स को भी स्क्वीज करते हुए बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल टाइट कर लीजिए, और टाइट, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट, बिल्कुल टाइट। हाँ, अब यूरिन और यस यूरिन और हाँ सुसु और पॉटी दोनों पार्ट्स को भी, एनस वाले पार्ट्स को भी टाइट कीजिए। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुठिया बांधिए, कलाई कोहनी भुजा कंधे पूरी तरह से टाइट कर लीजिए। हाथों को पास में रखते हुए अब स्वांस छोड़े और पेट को पूरा अंदर दबाइए। हाँ समाकिन, पूरा टक इन कीजिए उसको, वेरी गुड, शाबाश। धीरे से अब इनहेल, छाती को पूरा फुलाइए, चेस्ट को ओपन अप कीजिए पूरा अच्छे से और टाइट कीजिए छाती के सभी ऑर्गन को, पेट के साथ साथ छाती को भी पूरा टाइट करना है, स्ट्रेच करना है। फिर धीरे धीरे गर्दन को टाइट कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए फेशियल मसल्स को टाइट कीजिए, फिर चेहरे के सभी अंग और टाइट, तो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट, दोनों पैर मिलाकर टाइट करते हैं, यस। नाउ अब धीरे से श्वास छोड़े, रिलीज, बिल्कुल ढीला छोड़कर, अब पैरों में गैप, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, लंबे गहरे श्वास का विश्राम, एंजॉय द चेंजेस। आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम से जो ब्लड सर्कुलेशन में परिवर्तन आए हैं उन्हें अनुभव करें, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक मुस्कुराते हुए। क्लोज आई, कोई हलन चलन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन में जो भी परिवर्तन है उन्हें महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करें, मुस्कुराते हुए, नाभि का स्पंदन, नाभि ऊपर और नाभि नीचे, फील योर निबल, वॉच योर निबल, केवल नाभि के स्पंदन, पेट
पेट के मूवमेंट्स को महसूस कीजिए, नाभि के स्पंदन। श्वास भरे नाभि ऊपर, श्वास छोड़े नाभि नीचे। श्वास के साथ नाभि के स्पंदनों को अनुभव करें, सिंक्रनाइज करें उन्हें। श्वास के साथ संतुलित कीजिए, श्वास भरिए नाभि ऊपर, श्वास छोड़े नाभि नीचे, मुस्कुराते हुए। श्वास और नाभि के स्पंदन। श्वास भरे नाभि ऊपर, श्वास छोड़े नाभि नीचे। धीरे धीरे श्वास भरे नाभि ऊपर, श्वास छोड़े नाभि नीचे, मुस्कुराते हुए। श्वास भरे, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भीतर जाने दीजिए, नाभि के साथ साथ पूरे शरीर में। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज होने दीजिए। सभी रोगों, दुखों, तनावों, पीड़ाओं को बाहर रिलीज करते हुए, मुस्कुराते हुए। धीरे नाउ धीरे धीरे श्वास नाभि के स्पंदन और इस प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे अब एक-एक ऑर्गन पर हम ट्रांसफर करेंगे। तो महसूस कीजिए दोनों पैरों की अंगुलियों, दोनों पैरों की अंगुलियों को हल्का सा हिलाइए और ढीला छोड़ दीजिए अच्छे से। जो भी उनमें कोई रोग है, पीड़ा है, तनाव है, स्टिफनेस है, उसे रिलीज होने दीजिए। दोनों पैरों की अंगुलियां, अंगूठा, पैरों का पंजा, पंजे का निचला हिस्सा, पत्तली वाला हिस्सा, टो पाम, पंजे का हिस्सा, एड़ी वाला भाग, एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, दोनों पिंडलियां। पिंडलियों में अगर कोई स्टिफनेस है, स्ट्रेस है, रोग है, पीड़ा है, उसे बाहर रिलीज होने दीजिए, मुस्कुराते हुए। बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पिंडलियां और घुटनों से नीचे तक के सभी ऑर्गन रिलैक्स हैं, उनमें कोई हलन चलन नहीं, विश्राम की अवस्था में। धीरे से अब दोनों घुटने
अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल टाइट कीजिए, जितना टाइट कर सकते हैं सिकोड़िए, पूरा टाइटन टाइटन योर नी कैप, और टाइट घुटनों को टाइट कर लीजिए, और अब धीरे से छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। तो हमारी नी कैप, नी के फ्लूड, नी के लिगामेंट, नी के मसल्स, उनकी आर्टरीज, उनकी वेन्स रिलैक्स, दोनों घुटने, घुटनों का पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स। दोनों थाइस, जंघाएं, थाई मसल्स, आपकी इनर थाई मसल्स, अपर थाई मसल्स, वहां की मसल्स, वहां की वेन्स, आर्टरीज, बोन्स रिलैक्स। पूरा दाहिनी थाई और लेफ्ट थाई, बिल्कुल दाहिनी जंघा और बाई जंघा, बिल्कुल एक-एक ऑर्गन को, एक-एक कतरे को रिलैक्स होने दीजिए। कोई हलन चलन नहीं, केवल विश्राम की अवस्था। यदि अभी भी आपको कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई तनाव हो संघ में, उसे श्वास के माध्यम से बाहर रिलीज कर दीजिए। दोनों पैर थाई जॉइंट तक, हिप जॉइंट तक रिलैक्स हैं। पूरा ध्यान अपने नितंबों पर, बटक्स पर, हिप वाले रीजन पर। हिप्स को पूरा टाइट कीजिए, स्क्वीज कीजिए, स्क्वीज योर हिप्स, वेरी गुड। यूरिन और यस एनस वाले पार्ट को, सुसु और पॉटी दोनों पार्ट्स को भी पूरा अंदर टाइट करके रखिए, और फिर धीरे से ढीला छोड़ दीजिए। बिलो द नेवल, नाभि के नीचे के सभी अंग, विश्राम। मुस्कुराते हुए बिलो द नेवल, एवरी ऑर्गन इज रिलैक्स। मुस्कुराते हुए टू रिलैक्स योर लोअर लिम्ब्स, नाभि के नीचे के सभी अंगों को एनर्जाइज करने के लिए, और डीपली फील और रिलैक्स करने के लिए चैंट मकारा विद लिप्स टुगेदर 3 टाइम्स। श्वास भरे, धीरे धीरे दोनों पैर रिलैक्स हैं। कोई बात नहीं, आपको पैर सीधे करने में दिक्कत आए, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं या टर्न कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हिलना डुलना नहीं है कि किसी पड़ोसी को डिस्टर्ब हो। हाँ चलिए, तो दोनों पैर रिलैक्स। नाउ फील योर स्पाइनल कॉर्ड, अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करने का प्रयास कीजिए। जो रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से मैट पर टच है, फ्लोर पर, जहां भी आप लेटे हैं पूरी तरह से धरती पर टच है। महसूस कीजिए द होल स्पाइनल कॉर्ड टच ऑन द ग्राउंड, ऑन द मैट।
on the floor. Pura, bilkul alive. Dheere dheere, kamar wala bhaag, lower back region. Nabhi ke theek piche, kamar wale hisse ko. क्योंकि हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे एक मोतियों के माला के समान पिरोई हुई है. एक एक वर्टिब्राज, एक एक मणिया सब पिरोया हुआ है. तो एक एक मणि को रिलैक्स करें, एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करें. कमर वाला हिस्सा सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिब्राज है. तो इसे एक एक वर्टिब्रा को, पूरी कमर, नाभि के ठीक पीछे कमर वाला भाग रिलैक्स होने दीजिए. यदि आपको कोई दर्द है, पीड़ा है, तनाव है, स्टिफनेस है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, पोषक तत्वों की कमी हो, विटामिन डी, विटामिन 12, ये कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें रिलैक्स होने दीजिए. उनमें ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ने दीजिए और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ने दीजिए. अब धीरे धीरे कमर के थोड़ा ऊपर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, द अपर बैक, छाती के ठीक पीछे अपर बैक को रिलैक्स होने दीजिए. थोरेसिक रीजन, जहां से हमारा पोस्चर कंट्रोल हो रहा है, हमारे लंग्स को सिक्योर करने के लिए, पोस्चर को ठीक करने के लिए. केवल रिलैक्स, रिलीज ऑल देयर स्ट्रेस एंड रिलाय, मुस्कुराते हुए. विथ क्लोज आईज नाउ धीरे धीरे अपनी गर्दन के ठीक पीछे सर्वाइकल रीजन को रिलैक्स होने दीजिए. कोई तनाव है, कोई दबाव है, कोई स्टफनेस है, कोई पोषक तत्वों की कमी है, उसे सभी को रिलीज होने दीजिए मुस्कुराते हुए. सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, गर्दन का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से जमीन पर टच होने दीजिए. और टोटली रिलैक्स, मुस्कुराते हुए लेट जाएं एंड जस्ट रिलैक्स. नाउ धीरे धीरे दोनों कंधे, अब कंधों को स्पर्श कीजिए पूरी तरह से जमीन का, जमीन पर टच करने की कोशिश कीजिए दोनों कंधे. शोल्डर ब्लेड रिलैक्स. धीरे धीरे दोनों कंधे, कंधों से कोहनी, कोहनी से कलाइयां रिलैक्स. हथेलियां, हथेलियों के साथ, हथेलियों का पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, अंगुलियां, अंगूठा रिलैक्स. दोनों हाथ विश्राम.
धीरे अब पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित कीजिए। नाभि के स्पंदन, पुनः नाभि के स्पंदनों को अनुभव करें। श्वास भरे नाभि ऊपर, श्वास छोड़े नाभि नीचे। श्वास के साथ नाभि के स्पंदन। अब एक-एक नाभि के अंदर सभी ऑर्गन्स को, पूरे एब्डोमिनल कैविटी, पेट के सभी अंग, हमारी दोनों आंतें बिल्कुल क्लियर हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारी दोनों किडनी बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। हमारी स्प्लिन, हमारी पैंक्रियास पूरी तरह से स्वस्थ है। लिवर, अमाशय, स्टमक, गॉल ब्लैडर रिलैक्स है, हैप्पी है, हेल्दी है। इंटेस्टाइन के एक-एक पार्ट को रिलैक्स होने दीजिए। पेट के सभी अंग, एक-एक कोशिकाओं को रिलैक्स होने दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। पेट पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर है। डाइजेस्टिव हेल्थ पूरी तरह से परफेक्ट है, हैप्पी है, हेल्दी है। हमारे धीरे धीरे ऊपर और लंग, श्वास भरें और पूरी तरह से एक लंबा श्वास और बहुत सारी ऑक्सीजन भीतर भरने का प्रयास कीजिए। और फिर धीरे से श्वास छोड़ दीजिए। सारे रोगों को, तनावों को, कंजेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करें। लंग्स पूरी तरह से क्लियर है और लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मींस हम लंग्स के एक-एक एयर बैग को पूरी तरह से एक्टिव कर लिया है। तो जितना भी लंग्स में कैपेसिटी है, उस तरफ हम पूरी तरह से ऑक्सीजन उसमें भर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ट्राई टू फील योर हार्ट बीट। अपने हृदय के स्पंदनों को सुनने का, महसूस करने का प्रयास करें। धीरे धीरे हृदय के स्पंदन, और हृदय भी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके चारों चैम्बर्स, उसके वॉल्स, उसकी आर्टरीज, वेन्स पूरी तरह से हैप्पी है, हेल्दी है। वी आर हैविंग ए हैप्पी हेल्दी हार्ट। हम एक स्वस्थ, प्रसन्न, हाँ, मुस्कुराता हुआ हार्ट। वेरी गुड। हृदय से हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब धीरे धीरे अपने गर्दन, कंधों के पूरी तरह से नीचे सभी अंगों को विश्राम देने का सुझाव दीजिए। यदि अभी भी गर्दन के नीचे तक के कोई अंग में कोई भारीपन है, अकड़न है, रोग है, पीड़ा है, तनाव है, उसे श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए, मुस्कुराते हुए। और श्वास भरे 3 बार ऊ का उच्चारण। ओ
Oh. गर्दन से नीचे तक के सभी अंग, विश्राम। नाउ धीरे धीरे अपनी सिर चेहरे के सभी अंग मुस्कुराते हुए गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं, मूव योर नेक साइड बाय साइड एंड कीप इट इन ए कंफर्टेबल पोस्चर। गर्दन को दाएं बाएं घुमाकर किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में छोड़ दीजिए। रिलीज ऑल द स्ट्रेस एंड स्टिफनेस फ्रॉम योर नेक मसल। धीरे धीरे रिलीज ऑल द स्ट्रेस ऑफ नेक मसल्स, हमारी थायराइड पैराथायराइड रीजन, गर्दन के सभी अंग, चेहरे के सभी अंग, मुस्कुराते हुए विद ब्यूटिफुल स्माइल, जस्ट रिलैक्स योर फेशियल, चेहरे के सभी अंग, चिन, बोथ लिप्स, टीथ, टंग, जॉ लाइन, ईयर्स, नोस्टल्स, आई, आईब्रोज, फॉरहेड, टेम्परल बोन, पूरा मतलब ठुड्डी, दोनों होंठ, दांत, पूरा अच्छे से कान, दोनों नासिकाएं, दोनों आंखें, मस्तिष्क का पूरा भाग, बिल्कुल रिलैक्स, मुस्कुराते हुए, सिर का ऊपर वाला हिस्सा, द टॉप ऑफ योर हेड, रिलैक्स, चेहरे के सभी अंग, मुस्कुराहट को बनाए रखते हुए चेहरे के सभी अंगों को विश्राम कर दीजिए। ये पूरी तरह से स्वस्थ है, प्रसन्न है, आनंदित है। नाउ टॉप ऑफ योर हेड, बैक साइड ऑफ योर हेड, सिर का ऊपर वाला भाग और नाउ सिर का पीछे वाला भाग, सिर और चेहरे के सभी अंग, द हेड एंड फेशियल स्किन, रिलैक्स। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सिर, चेहरे के, मस्तिष्क के सभी अंगों को रिलैक्स करने के लिए होंठ मिलाएं, लिप्स टुगेदर, म का उच्चारण, चैंट म कारा।
मुस्कुराते हुए। पुनालंग चलन से पैट तक, पैट से सिर तक, हेड टू टो, टो टू हेड, पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में महसूस कीजिए। सिर से पैट तक, पैट से सिर तक, मुस्कुराए, खुश रहो। कोई हलन चलन नहीं, विदाउट एनी सिंगल मूवमेंट, जस्ट सरेंडर टू द मदर अर्थ, बिल्कुल रिलैक्स। आपका पूरा शरीर धरती पर विश्राम की अवस्था में रिलैक्स। नाउ धीरे धीरे आपका पूरा शरीर तो विश्राम में है, लेकिन मन में विचार चल रहे हैं। वो जस्ट वॉच योर थॉट्स, कैसे विचार चल रहे हैं मन में, विचारों को देखिए, वॉच योर थॉट्स। उनका कोई एनालिसिस नहीं करना है, केवल उन्हें देखना है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, जैसे दृष्टा भाव से देखिए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। बी लाइक अ थर्ड पार्टी, जस्ट वॉच योर थॉट, मुस्कुराते हुए। अब धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला को विराम देने के लिए मुस्कुराते हुए। तीन बार अ उ म का उच्चारण। चलिए श्वास भरे। ओ
बिल्कुल विश्राम की अवस्था में यू आर इन द डीप कॉन्शियसनेस लेवल। महसूस कीजिए अपने शरीर को, बिल्कुल विश्राम दीजिए थोड़ी देर के लिए। कोई हलचल, कोई मूवमेंट, कोई एफर्ट नहीं, सिर्फ विश्राम करने दीजिए बिना किसी ऑर्गन को हिलाए डुलाए, केवल विश्राम, रिलैक्स विदाउट एनी सिंगल मूव। केवल विश्राम की अवस्था, मुस्कुराते हुए बिना सिर से पैर तक की इस यात्रा में महसूस कीजिए। यू कैन फील ईच एंड एवरी ऑर्गन पर, एक-एक अंग पर देखें, रुके, आगे बढ़े। यदि अभी भी कोई तनाव है, दुख है, पीड़ा है, उसे रिलीज कर देना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद योर टोज, रुके, मुस्कुराते हुए पंजे को एंड जॉइंट, एडी हील दोनों काफ मसल्स, पिंडलियां, बोथ नीज, घुटने, दोनों थाइस, जंघाएं, दोनों बटक्स, रिलैक्स, मुस्कुराते हुए। बिल्कुल रिलैक्स, नाउ धीरे धीरे होल स्पाइनल कॉर्ड, दोनों कंधे, दोनों हाथ, बोथ हैंड्स, बोथ शोल्डर्स, पेट के सभी अंग, द होल एब्डोमिनल कैविटी, स्टमक एरिया, चेस्ट मसल्स, नेक मसल्स, फेशियल मसल्स, टॉप ऑफ योर हेड, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे पूरी तरह से इसमें प्राण ऊर्जा को जागृत कीजिए। अब धीरे धीरे पुनः 3 बार ओंकार का उच्चारण।
अब धीरे धीरे पुनः चेतना को जागरूक करने के लिए बायां हाथ सिर के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड को यस प्लेस इट ऑन द हाँ हेड, वेरी गुड। सिर के ऊपर रखते हुए अब धीरे धीरे बाईं ओर करवट लीजिए, टर्न ऑन द लेफ्ट साइड, वेरी गुड। मुस्कुराते हुए उसी तरफ की बाईं ओर की ही करवट लेकर बाईं ओर के सभी ऑर्गन्स को एक्टिव कर दीजिए, पूरी चेतना को जागरूक होते हुए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत और आनंद की अनुभूति। बाईं ओर की चेतना को जागरूक कीजिए, ओर करवट लीजिए, दाहिनी ओर से स्टार्ट राइट और राइट साइड से भी सभी बॉडी पार्ट्स को एक्ट लीजिए। बहुत ही मुस्कुराते हुए, यू फील सो रिलैक्स एंड पॉजिटिव, मुस्कुराते हुए। ना धीरे धीरे हाथ का लेते हो जाइए, सिटने एनी कंफर्टेबल हो, अगर आपको नींद आ रही कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। ताकि इस सांसारिक जगत के लिए हम और प्रिपेयर हो पाए, अपने आप को हर हेल्दी माइंड एंड अ ब्लिसफुल हैप्पी सोल, स्वस्थ शरीर शांत मन आनंद स्वरूप आत्मा, मुस्कुराते हुए। पूरे शरीर में और अधिक स्वस्थ प्रसन्न आनंद, मुस्कुराते हुए। और अब इस संपूर्ण जगत में परमपिता परमात्मा को माता पिता को दीजिए, इतनी सारी नियामतों के सुंदर जीवन के लिए इतनी का धन्यवाद। फील ऑल द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मदर नेचर, टू आर पेरेंट्स, टू द सुप्रीम सोल, हमें सभी के लिए धन्यवाद का भाव रखें। और मुस्कुराते हुए जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं सकारात्मक तो में 9 बार दोहराएं, रिपीट इट 9 टाइम, एनी पॉजिटिव थॉट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। मुस्कुराते हुए शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृभूमि और इस देवता को नमन, गो डाउन टू द मदर अर्थ, सम रब योर पाम, प्लेस इट ऑन योर आईज एंड गिव अ जेंटल मसाज योर फेशियल मसल।
थैंक यू सो मच चंद्रला फैट सीधे। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों को अगर नींद की प्रॉब्लम है, जैसे कुछ टिप्स हमने सुबह पहले क्लास में जो लेट आए हैं उनके लिए हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि कोशिश कीजिए कि जो आपकी जो शाम की लाइट हो, अगर आपको नींद आने की प्रॉब्लम है तो 1 घंटा पहले उस लाइट को डिम कर दीजिए। जो भी रूम की लाइट है थोड़ी कम हो जाए। मोबाइल का यूज सोने के अपने आधे घंटे पहले कोशिश कीजिए करें, बंद करें। और साथ ही साथ आप अच्छे से हाथ पैर धोकर गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे पानी लगाकर या नहा धो के सोएं। साथ ही साथ अपना टाइम फिक्स रखें सोने का और उठने का, एक टाइम टेबल फिक्स करें। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 15-20 दिन महीने में, लेकिन जैसे 10 से 6, 10 से 5 या 10 से जो भी आपने टाइम अपना बना रखा है उसको फिक्स शेड्यूल रखें, ताकि बॉडी में भी ब्रेन में भी इस तरीके से सेंसेशन पहुंचे कि हाँ इस टाइम हमको सोना होता है। तो स्लीप हार्मोन भी इसी तरीके से सिक्रीट होगा। और फिर भी अगर दिक्कत है तो कुछ लोग जैसे दूध पी के सोते हैं, या काजू अगर आप खा सकते हो तो 4 से 5 काजू अच्छे से चबाकर आधा। और डिनर का जैसे बहुत लोगों को होता है कि खाना खाते सोना है, तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखिए, 2 से 3 घंटे का। नहीं हो पा रहा है गैप तो डिनर थोड़ा लाइट कर लीजिए उस दिन, और थोड़ा सा टहल लीजिए छत पर या आसपास अपने आसपास, ताकि डाइजेशन आपका अच्छे से हो जाए। तो ये कुछ बहुत इजी टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं, उन्हें करें। रात को प्राणायाम, और फिर भी नींद नहीं आए, जैसे आप वॉशरूम यूज करने गए फिर नींद नहीं आ रही है, तो ये जो टेक्निक आज हमने कराई है, तो इसको आप शॉर्ट में जैसे करके आप सोएंगे तो बहुत अच्छे से आपको नींद आएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिए, फिर भी इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।